Hello students, I welcome you all to e-political science platform. Today we will discuss previous year's questions on Indian government and politics. This paper is very important from the point of view that in honors also you have to study, but the name is different, it's a political process in India and constitutional government and democracy. और इसका ही जो पार्ट है बहुत सारी चीज़ें जो है वो इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स सेमेस्टर टू में प्रोग्राम वाले बच्चे भी पढ़ते हैं. तो ये जो क्वेश्चंस है ये दोनों ही मतलब कोर्स के लिए कुछ सिमिलैरिटीज़ हो सकती हैं, हालांकि पूरी सिमिलैरिटीज़ नहीं हैं, लेकिन दैट वुड ऑब्वियसली हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ क्वेश्चन. And also in your UPSC also, और जहाँ जहाँ ये paper जो paper name है in government and politics, जिस चीज़ में भी आप पढ़ते हो political science में, in MA and others also, it would obviously help you. Today I have brought with few important questions which has been asked earlier, and then I will come up with the important areas which should be focused on Indian government and politics before you write your exams. And then few important topics, already I have made a playlist, and there are various videos और कुछ स्लाइड फॉर्म में हैं, कुछ स्लाइड में नहीं हैं, तो आप सारे ही उसको देख लीजिए एक बार. और कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे आई विल कम अप विद डिस्कशंस शॉर्टली, एंड दोज टॉपिक्स वुड बी इम्पॉर्टेंट फ्रॉम योर एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज फ्रॉम योर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू. सो लेट अस स्टूडेंट्स डिस्कस द क्वेश्चन पे द क्वेश्चंस. दीज आर द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस एंड आई कॉन्ट टेल यू द एग्जैक्ट ईयर where it was asked, but they were asked, and there are probabilities that these questions, though their nature may change, the language may change, and you can get an idea ki kaise question aata hai. Maine bilingual dono mein koshish ki hai. Pehla question hai, discuss the liberal and Gandhian nature of Indian state. Okay, Bharatiya Raj ke udarvadi aur gandhivadi swaroop ki charcha kijiye. इस पे वीडियो आई हैव मेड ऑन द लिबरल मार्क्सिस्ट एंड द गांधीयन नेचर. एक चीज़ और, कई बार क्वेश्चन पेपर में मैंने देखा है, इन्होंने पूछा है डिस्कस द लिबरल अप्रोच टू अंडरस्टैंड इंडियन पॉलिटिक्स. दो द अप्रोच एंड द नेचर दे आर नॉट द सेम थिंग एज फार एज योर सिलेबस इज कंसर्न. अप्रोचेज में आपको ट्रेडिशनल मॉडर्न पढ़ने हैं, ट्रेडिशनल में आप सारे लीगल हिस्टोरिकल फिलोसफिकल पढ़ेंगे, और मॉडर्न में स्ट्रक्चरल फंक्शनल डेविड स्टर्न का सिस्टम अप्रोच और सोशियोलॉजिकल अप्रोच एम्पेरिकल अप्रोच ये सारे पढ़ने हैं. तो अप्रोचेस आर डिफरेंट एंड नेचर ऑफ इंडियन स्टेट इज़ डिफरेंट. दो इफ दे आर आस्किंग द लिबरल अप्रोच टू अंडरस्टैंड इंडियन पॉलिटिक्स देन ऑब्वियसली यू हैव टू टॉक अबाउट द नेचर ऑफ इंडियन स्टेट. सो मेरा कहने का मतलब ये है कि आंसर लिखने से पहले आप क्वेश्चन पढ़ें एक बार, दो बार, तीन बार, जब तक कि आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता, उसके बाद अटेम्प्ट करें, ठीक है. सो द फर्स्ट यूनिट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, और आपका बेसिक बेस क्लियर होता है, इससे आपको समझ में आता है. तो पहला जो प्रश्न है वो आपके फर्स्ट यूनिट से है. देन सेकेंड इज़ एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच संबंधों का परीक्षण करें. अब यहाँ पे क्वेश्चन आपके रिलेशनशिप पे आया है, ठीक है. तो रिलेशनशिप में आप में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, फंडामेंटल राइट्स पूछा गया है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी पे पूछा गया है. तो दोनों को ही सबसे पहले तो आपको यहाँ पर इनके पॉजिटिव रिलेशनशिप बताने हैं, फिर इनका जो कॉन्फ्लिक्टिंग रिलेशनशिप है वो मैंने क्लास में बताया भी है, और फिर एक जो है बैलेंस्ड आंसर यू हैव टू गिव. ओके, देन द थर्ड क्वेश्चन इज डिस्कस द पावर्स एंड चेंजिंग रोल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियों
और बदलती भूमिका पर चर्चा करें। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो मैं ये कह रही हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर पे ही आए, प्रेसिडेंट पे भी आ सकता है, कैबिनेट मिनिस्टर से पे भी आ सकता है, ठीक है, कंटेम्प्रेरी भी आ सकता है। तो आप डेली न्यूज़पेपर्स पढ़ें, जो भी आप न्यूज़पेपर्स लेते हो, आप चाहे हिंदू लो, हिंदुस्तान टाइम्स लो, इंडियन एक्सप्रेस लो, हिंदी में भी जो भी लेते हो, इस पेपर के लिए आई हैव बीन टेलिंग यू दैट रीड द कंटेम्प्रेरी न्यूज़पेपर। और जो भी उसमें एडिट आता है, ठीक है, एडिटोरियल पे, वो आप ज़रूर रेफ़र करें, क्योंकि एडिटोरियल विल हेल्प यू टू फॉर्मुलेट योर अंडरस्टैंडिंग ऑन एनी पर्टिकुलर टॉपिक। और एकदम करंट से रिलेट करते हैं, तो कई बार आप सीधा सा सीधा एक क्वेश्चन एडिटोरियल से ही बहुत हेल्प लेके आप कर सकते हैं, ठीक है। तो एक हैबिट डालिए, रैदर देन सिर्फ बुक से आप पढ़ने की कोशिश करते हैं, जो भी आपके पास बुक है, और एक बुक में, कोई भी एक बुक में सारे टॉपिक्स नहीं हैं। मैंने आपको प्रताप भानु मेहता और नीरजा गोपाल जयाल की ऑक्सफोर्ड कॉम्पेनियन टू पॉलिटिक्स भी बोला है रेफ़र करने के लिए। तो एक बार मेरे पुराने उस पर चले जाना, एमए के लिए जो बुक्स मैंने बताए हैं, यूपीएससी के जो बुक लिस्ट बताई है, उसमें भी इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स में क्या पढ़ना चाहिए, आप एनसीईआरटी भी रेफ़र कर सकते हो। देन एनालाइज द रोल ऑफ कास्ट इन कंटेम्प्रेरी इंडियन पॉलिटिक्स, समकालीन भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका का विश्लेषण करें। अब आप देखिए, यहाँ दो चीज़ें हैं, कास्ट और कंटेम्प्रेरी इंडियन पॉलिटिक्स। मतलब आप कास्ट का विजवी जो भी आप आंसर लिखेंगे, कोशिश करेंगे करंट के साथ जोड़ें, करंट डायनेमिक्स के साथ जोड़ें। दो कास्ट इज़ समथिंग विच वॉज इन एग्जिस्टेंस अर्लियर ऑल्सो, बट देन यू हैव टू टॉक अबाउट द कंटेम्प्रेरी थिंग। तो इसमें थेरीज ना लिखें और कास्ट को इंडियन पॉलिटिक्स के साथ जोड़ करके, जो भी पार्टी सिस्टम में कास्ट का रोल है इंडियन पॉलिटिक्स में, रजनी कोठारी के व्यूज़, ये सब, हालांकि रजनी कोठारी के व्यूज़ अलग से भी आते हैं क्वेश्चन, तो यहाँ पे आपको 90s के बाद जो डायनेमिक्स चेंज हुए हैं, मोबिलाइजेशन आया है, ठीक है, वो सारी चीज़ों को यहाँ पे आपको लिखना है। देन डिस्कस द चैलेंजेस पोज्ड बाय कम्युनलिज्म टू द सेक्युलर फैब्रिक ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के धर्मनिरपेक्ष ताने बाने के लिए सांप्रदायिकता से उत्पन्न चुनौतियों की चर्चा कीजिए, ठीक है। अब कम्युनलिज्म जो ये क्वेश्चन है, दिस इज़ समथिंग विच मैनी टाइम्स मैं बोलती हूँ कि अगर आप अटेम्प्ट करें तो न्यूट्रलिटी बरकरार रखें और कोई भी कंट्रोवर्शियल चीज़ें ना डालें इसमें, और जो है एकदम आप बैलेंस्ड करके अपना ये आंसर लिखें अगर आप अटेम्प्ट करते हैं तो, ठीक है। कहानियाँ नहीं लिखनी है, और चैलेंजेस अगर इसमें पूछा है तो चैलेंजेस लिखना है। अगर डिबेट्स आ रहे हैं सेक्युलरिज्म कम्युनलिज्म के, तो आपके आपके क्लास में जो डिबेट्स हुए हैं, जो रीडिंग्स पढ़े हैं आपने, वो आपको लिखने हैं। तो आपको क्वेश्चन का नेचर पढ़ना है, लैंग्वेज पढ़ना है। आपने कम्युनलिज्म देख लिया और कम्युनलिज्म पे जो भी आता है वो नहीं लिखना, ठीक है। देन सिक्स्थ क्वेश्चन, एग्जामिन द चेंजिंग नेचर ऑफ पार्टी सिस्टम इन इंडिया। भारत में दलीय व्यवस्था के बदलते स्वरूप का परीक्षण कीजिए, ठीक है। पार्टी सिस्टम आपके सिलेबस में है, आपने पढ़ा है, तो यहाँ पे क्वेश्चन चेंजिंग नेचर पूछ रहा है। तो भारत में जब से आफ्टर 1950s फर्स्ट लोकसभा चुनाव से लेकर अब तक पार्टी सिस्टम में जो बदलता स्वरूप है, उसका नेचर जो बदल रहा है, वन पार्टी डोमिनेंट, टू पार्टी डोमिनेंट, मल्टी पार्टी, देन अगेन मेजॉरिटेरियन सिस्टम, तो वो आपको इसमें बताना है, कंटेम्प्रेरी के साथ रिलेट करना है। तो करंट डायनामिक्स, करंट लोकसभा चुनाव से उभरते हुए जो डायनामिक्स हैं, दैट ऑल्सो यू नीड टू मैंशन। डोंट डू रोट लर्निंग एंड डोंट बिलीव इन द आइडिया ऑफ टेकिंग नोट्स फ्रॉम समवन, जिसने बहुत सालों से नोट्स बना के रखा है, वही आप नोट्स जो है सर्कुलेट करते हैं, फ्लोट करते हैं, वही पढ़ते रहते हैं, सो कोई फ़ायदा नहीं है, ओके। सो यू नीड टू मेक योर ओन नोट्स, यू नीड टू फॉर्मुलेट योर ओन अंडरस्टैंडिंग, ओन डायनामिक्स, हाउ यू कैन फॉर्मुलेट अ गुड आंसर विदाउट मेमोराइजिंग थिंग्स, ओके। फ्यू फैक्ट्स यू ऑब्वियसली नीड टू अंडरस्टैंड और नीड टू लर्न, ठीक है, क्योंकि संविधान के पेपर में मैं हमेशा बोलती हूँ कि बेर एक्ट, पीएम बख्शी, आपके मेन आर्टिकल्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है।
Then the seventh question discuss the achievements and limitations of women's movement in India. अब आपका ये जो पूरा पेपर है इसमें लास्ट टॉपिक सोशल मूवमेंट्स पे, चार मूवमेंट्स पढ़ने हैं. तो सोशल मूवमेंट्स के लिए आप सोशल मूवमेंट्स क्या है, उसके थोड़ी सी थेरीज, क्या ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है, न्यू सोशल मूवमेंट क्या होता है, ये समझने के बाद तब जो आपके चार मूवमेंट्स हैं उस पर उसका जो फेज़ वाइज है, कंटेम्प्रेरी, पोस्ट 90 और उसके 90 से पहले, वो दोनों फेज़ में, क्योंकि इसमें कॉलोनियल फेज़ तो आपको करना नहीं है ज़्यादा, थोड़ा सा बता सकते हैं आप. कंटेम्प्रेरी में जो है चीज़ें, जो डिबेट्स चल रहे हैं मूवमेंट में, वो आपको ध्यान रखना है. देन शॉर्ट नोट्स जो है यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, सोशल बेस ऑफ पार्टी सिस्टम, मतलब जो है भारतीय दलीय व्यवस्था का जो सामाजिक परिवेश है, सामाजिक परिवेश में मतलब हर पार्टी सिस्टम का, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, अदर पार्टीज़ हो, उनका क्या सोशल डायनेमिक्स है, कास्ट, क्लास, क्लिवेजेस क्या है, तो वो आपको इसमें बताना है. LPG इज़ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, वैश्वीकरण का जो दौर आया जिसमें 1989 में SAP स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम आया, और LPG का भी दौर था. तो LPG मतलब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, बेसिकली LPG क्या, आप थोड़ा सा उसमें आपको इसमें शॉर्ट नोट्स बताना होगा. देन आर्टिकल 72, इट्स द पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पावर, इट मेक्स हिम वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, दो वी से दैट ही हैज़ ओनली सिम्बॉलिक पावर कंपेयर टू इंडियन प्राइम मिनिस्टर, बट दैट इज़ नॉट एग्जैक्टली द रियलिटी. देर आर एक्सेप्शंस एंड देर आर मैनी प्रोविजन्स विच मेक्स प्रेजिडेंट इक्वली स्ट्रॉन्ग. देन नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये पर्यावरणीय आंदोलन है, बहुत इंपॉर्टेंट है. ज़रूरी नहीं है कि NBA ही आए, चिपको आ सकता है, पर्यावरण आंदोलन आ सकता है, कोई भी पर्यावरण से रिलेटेड जो इशूज़ हैं वो भी आ सकता है. हो सकता है फॉरेस्ट राइट्स एक्ट भी कर लें, उस पर भी मैंने वीडियो बना रखे हैं. तो थोड़ा सा अपने आप को रिलेट करो कि एकदम ट्रेडिशनल पर्सपेक्टिव से क्वेश्चंस नहीं आएंगे, कंटेम्प्रेरी से आएगा. तो कंटेम्प्रेरी जो भी हैपनिंग्स है, कीप इन टच विद दैट, एंड इफ़ यू फाइंड एनी थिंग विच यू नीड टू आस्क, विच यू नीड टू क्लैरिफाई, यू कैन पुट अ कॉमेंट, आई विल रिस्पॉन्ड टू इट. एंड स्टडी विल स्टार्ट मेकिंग योर नोट्स, गोइंग टू लाइब्रेरी, सिटिंग देयर, doing reference work, because these are the things, these are the process which will help you to be successful. So have a nice day, take care, and if you like this video, obviously subscribe it, put your comments, like and share with your friends. Thank you.